पीटीआई के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर है जो आपको बता रहे हैं। बीजेपी में फिर नितिन गडकरी के खिलाफ आवाज उठी है। यशवंत सिन्हा ने गडकरी का इस्तीफा मांगा है। यशवंत सिन्हा से पहले राम जेठमलानी ने भी गडकरी का इस्तीफा मांगा था। एक बार फिर नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग बीजेपी के अंदर से आ रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा ने नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग की है। कुछ दिन पहले राम जेठमलानी ने भी नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग की थी और आपको याद होगा कि राम जेठमलानी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि यशवंत सिन्हा के वो संपर्क में हैं और उनसे इस मामले पर बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। हिमांशु, जिस वक्त राम जेठमलानी ने भी गडकरी के इस्तीफे का मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा था कि वो यशवंत सिन्हा के संपर्क में है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि वो यशवंत सिन्हा जो और जसवंत सिंह के संपर्क में है, शत्रुघ्न सिन्हा के संपर्क में है, और ये कंसल्टेशन के बाद ही उन्होंने राम जेठमलानी ने कहा था कि उन्होंने इस्तीफा मांगा। और आज ये बात सामने आना कि आज मीटिंग के अंदर यशवंत सिन्हा ने नितिन गडकरी से इस्तीफा की डिमांड की कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब पार्टी के अंदर जो है नितिन गडकरी को लेकर खुले तौर पर बगावत सामने आने लगी है। और ये कहा जा सकता है कि ये दौर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि कल से कह सकते हैं परसों से संसद का सत्र शुरू होना है और वहां पे बीजेपी को सरकार को घेरना है। ऐसे में अगर सरकार को घेरने से पहले ही बीजेपी के अंदर आंदोलनी लड़ाई अगर सामने आएगी तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। जी हिमांशु, अब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कम से कम दिसंबर तक जो कार्यकाल है नितिन गडकरी का वो खत्म कर लें, उसके बाद दूसरा कार्यकाल ना मिले, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसमें भी अटकलें नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, ये कहा जा रहा था कि नितिन गडकरी को ये साफ तौर से संघ और बीजेपी की तरफ से संदेश दिया गया था कि उनका जो पहला कार्यकाल है 20 दिसंबर तक का उसको पूरा कर दिया जाए और उसके बाद उनको सेकेंड टर्म नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब नितिन गडकरी का खुले तौर पर विरोध हो रहा है पार्टी के अंदर, ये एक बड़ी बात है और इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अब गडकरी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि ये बात जाहिर तौर पर है कि अगर पार्टी में इतना विरोध उनका होगा तो दूसरी बार टर्म नहीं दिया जाएगा। और अब इसको लेकर भी पार्टी को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि अगर इतने यशवंत सिन्हा पार्टी के एक बड़े नेता हैं और वो एनडीए सरकार के अंदर वित्त मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक रहे हैं, और अगर ऐसे में वो सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बात का एक वजूद होगा। और आम अगर ऐसा मैसेज आएगा कि पार्टी के अंदर ही गडकरी का विरोध हो रहा है, तो एक सही मायने में कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए एक मुश्किल घड़ी सामने आ गई है संसद के सत्र शुरू होने से पहले। जी, और बीजेपी के एक सीनियर लीडर का ये मुद्दा उठाना कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि सिर्फ पार्टी फोरम तक इस बात को वो सीमित नहीं रखना चाहते, शायद पार्टी के अंदर इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया, इसीलिए वो अब इस बात को उठकर सबके सामने रख रहे हैं। देखिए वो ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने ये पार्टी के अंदर जब इस बात को नहीं माना जा रहा था तो एक एक करके अब पार्टी के अंदर से जो विरोधी स्वर हैं वो गडकरी के खिलाफ उठ रहे हैं। और क्योंकि ये लोग एक अंदाजा था कि पार्टी कहीं ना कहीं डिसीजन लेगी और उसके बाद नितिन गडकरी को उसी टाइम जो है ये कहा जाएगा कि उनको अध्यक्ष के पद से रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पार्टी की तरफ से और संघ की तरफ से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एस गुरुमूर्ति हैं जो बीजेपी और आरएसएस के लिए बीच में कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, उन्होंने क्लीन चिट दी थी और उन्होंने कहा था कि गडकरी ने लीगली मॉरली कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है पूर्ति ग्रुप के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बात अब सामने आ चुकी है कि अब गडकरी का खुले तौर पर जब विरोध हो रहा है तो पार्टी को अपना चेहरा बचाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि किस तरीके से किस तरह से वो सरकार को घेरेगी, क्योंकि उनके अगर जो पार्टी के प्रेसिडेंट है अगर उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो ये इसका जवाब कैसे बीजेपी देगी। अब राम जेठमलानी ने जब अपनी बात रखी एक पब्लिक फोरम में तो ये बात बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कही, रविशंकर प्रसाद ने कही करके नितिन गडकरी के ऊपर कोई भी आरोप लगाया जा रहा है पार्टी की तरफ से उसको पार्टी फोरम में रखा जाए। अब अगर एक सीनियर नेता इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं, लोगों के सामने इस अपील को रख रहे हैं कि नितिन गडकरी इस्तीफा दें, अब किसी तरह की कार्रवाई बीजेपी की तरफ से उन पर हो सकती है? देखिए बिल्कुल, बीजेपी को अगर कार्रवाई करनी होती तो वो राम जेठमलानी के खिलाफ कार्रवाई करते, महेश जेठमलानी के खिलाफ कार्रवाई करती पार्टी। यशवंत सिन्हा क्योंकि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है और वो जब बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोच विचार के उन्होंने कहा होगा, और ये बात राम जेठमलानी पहले कह चुके हैं कि उन्होंने भी यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा से बातचीत की थी और उसके बाद ही उन्होंने ये बात कही है।
तो कहीं ना कहीं अब नितिन गडकरी को लेकर जब पार्टी ने कहा था कि पूरी पार्टी एक साथ खड़ी है गडकरी के पीछे, अब ये शायद पार्टी को इस पर जवाब देना मुश्किल होगा कि कैसे पार्टी एक साथ खड़ी है, क्योंकि पार्टी के अंदर से नितिन गडकरी का अब इस्तीफा मांगा और ज्यादा मेंबर्स जो है वो मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को इस पर बचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा था क्योंकि राम जेठमलानी तक का इस्तीफे की मांग नहीं की गई, ऐसे में यशवंत सिन्हा तो पार्टी के एक सीनियर नेता हैं और ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अगर एक पब्लिक फोरम पर ये बात कहते हैं कि अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए तो ये अपने आप में एक महत्व रखती है ये बात। अब नितिन गडकरी पर एक बार फिर से इस्तीफे का दबाव बना है और इस बार ये बात कही है बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा ने। पीटीआई के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यशवंत सिन्हा ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में आरोप लगना ही काफी है जो कि नितिन गडकरी पर लगा है और इसीलिए उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा देना चाहिए। नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग पहले ही राम जेठमलानी कर चुके हैं जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। उस वक्त भी बीजेपी के तरफ से कहा गया कि कोई भी नेता इस तरह की कोई भी बात पार्टी फोरम में रखे न कि पब्लिक फोरम में, लेकिन एक बार फिर बीजेपी के सीनियर नेता यशवंत सिन्हा ने यह बात लोगों के सामने दोहराई है कि नितिन गडकरी को इस्तीफा देना चाहिए। गौरतलब है कि राम जेठमलानी ने भी जब इस पूरे मामले पर नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा था उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वो यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह के संपर्क में है इस मुद्दे को लेकर। हिमांशु, ये बात मानी जाए कि पार्टी का शायद एक ऐसा धड़ा है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि एक ऐसा धड़ा है जो नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहता है और ये भी चाहता है कि इस इस्तीफे से ही पार्टी की छवि सुधरेगी। देखिए, बिल्कुल पार्टी के अंदर एक ऐसा धड़ा है जो करप्शन के इश्यूज पर ये कहता रहा है कि हमने करप्शन के अगेंस्ट एक माहौल बनाया है, सरकार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसको हमने उन मुद्दों को उठाया है और जनता को विश्वास दिलाया है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ है और इन्हीं सब चीजों का जो स्पेस है भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी उसको एक्यूपाई करना चाहती है। और यदि अगर उनके जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनके ऊपर अगर इस्तीफे का इस भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो कहीं ना कहीं जो अभी उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड किया है सरकार पे और आम जनता के बीच जाकर ये बात कही है कि सरकार भ्रष्टाचार के और घोटालों के बीच में घिरी हुई है तो कैसे जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये बात यशवंत सिन्हा ने खुद कहा है कि पब्लिक लाइफ के अंदर जब आप राजनीति में है तो आरोप लगना बहुत बड़ी बात है। तो याद कीजिए, आप लालकृष्ण आडवाणी ने 1995 के अंदर जब उनके ऊपर ये जैन हवाला के कांड के अंदर आरोप लगा था कि 1,00,000 रुपए की रिश्वत उनको दी गई थी, डायरी में सिर्फ उनका नाम आया था और लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया था संसद सदस्य से और उन्होंने कहा था कि जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती है तब तक वो संसद की दहलीज पर नहीं जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल है कि लालकृष्ण आडवाणी ने जब ये बात कही थी तो आज उसके अंदर ऐसा फेरबदल क्यों हो गया, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे हैं और सीधे सीधे उनकी कंपनी और उनके बिजनेस को लेकर आरोप लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी पहले एकजुट जो नजर आ रही थी अब पार्टी के अंदर ये कहा जा सकता है कि बिखराव है। और ये बात पार्टी के कुछ ऐसे नेता भी कहते हैं कि उनका ये कहना है कि यदि आपको नीट एंड क्लीन इमेज रखनी है, जो बीजेपी बात करती है चाल चरित्र और चेहरे की, वो अगर बचा के रखनी है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को इस्तीफा देना होगा। लेकिन एक और बात ये कहा जाती है, नितिन गडकरी के जो समर्थक है पार्टी में उनकी तरफ से कि चाहे वो राम जेठमलानी हो, महेश जेठमलानी हो, जसवंत सिंह हो, यशवंत सिन्हा हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनका ये संघ का कोई बैकग्राउंड और संसद सत्र से ठीक पहले इस तरह की मांग उठना एक सीनियर नेता की तरफ से यकीनन बीजेपी को इस मामले में संसद में भी घिरती हुई नजर आ सकती है। धन्यवाद हिमांशु हमसे बात करने के।